वैज्ञानिकों का दावा, ओमिक्रोन की वजह से भारत में फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर। संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग। मणिपुर के मुरेह गांव में 500 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों में मिलेगी मुफ्त दवा, 30,000 को रोजगार देने का भी लक्ष्य। सारा उत्तराखंड हरदा के संग अभियान लॉन्च, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की गई जारी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून में हुई विजय संकल्प रैली से उत्साहित भाजपा अब कुमाऊं मंडल की रैली पर फोकस करने जा रही है। प्रधानमंत्री 24 दिसंबर को कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में रैली करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। देहरादून की रैली से गढ़वाल मंडल में माहौल बनाने के बाद पार्टी की कोशिश अब कुमाऊं मंडल को साधने पर है। इतना ही नहीं, प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व से विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के 5 लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की एक-एक जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित करने का आग्रह भी किया है। इस पहल से पार्टी राज्य में अपनी स्थिति और मजबूत करने का प्रयास करेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने संदेश में कहा कि झंडा दिवस हमें सैन्य बलों की वीरता का स्मरण कराता है, उनके कल्याण के लिए, अपने योगदान के लिए प्रेरित करता है। वीर जवानों के देश की सेवा में तत्पर रहने के कारण ही हम सुखी हैं। वीर सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी पत्ति होते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से सशस्त्र सेना के कल्याण कोष में श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश का रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। ये अवसर राष्ट्र के सजग प्रहरणियों के अविस्मरणीय बलिदान और सेवाओं को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए सभी का योगदान करना चाहिए। धनौरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हमले के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। कलियर विधायक फुरकान अहमद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के भाजपुर में बैठक में शामिल होने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के काफिले पर शनिवार दोपहर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया था। बता दें कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर शनिवार को भाजपुर में हुए हमले के विरोध में कांग्रेस ने पुतला कलियर विधायक फुरकान अहमद के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज उत्तराखंड के सीएम का पुतला दहन किया। वहीं हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की गई। इस हमले के बाद उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। तो कांग्रेसियों ने पुतला फूका है। तो यहाँ के मौजूदा विधायक उनसे बात करते हैं, पुतला दहन किया गया आज, ये क्या मामला, किस तरीके से पुतला दहन किया गया? हमारे यशपाल आर्य जी हमारे प्रदेश पूर्व अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री थे, उनके ऊपर और उनके पुत्र संजीव आर्य जी के ऊपर जो जनता से विधायक उन पर आज हमला किया गया। अब तक की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और हमारी सरकार से यही मांगे कि जिन लोगों ने हमारे यशपाल आर्य जी के ऊपर हमले किया तत्काल गिरफ्तार किए जाए। जब वो हमारी सरकार से बीजेपी में गए थे, हमने कोई भी इस तरह का उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। आज बीजेपी बखला की, क्योंकि एक वो बहुत अच्छे दलित चेहरा है और उनके जाने से भाजपा को बहुत नुकसान होगा, इसलिए बीजेपी घबरा कर उन पर जानलेवा हमला कर रही है। वो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम पूरी कांग्रेस यशपाल आर्य जी के उनके साथ है। आज सब
उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आपकी, अगर उनकी गिरफ्तारी जल्दी नहीं की जाती तो हम जो भी हमारी पार्टी हमारे जो बड़े लीडर हैं हरीश रावत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सेनापति जी सब मिलकर जो भी उनकी तरफ से आदेश होगा हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की विधानसभा आगामी के लिए जनता जो बीजेपी ने वादे किए थे आज सब वादे बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और हमारी पहले विधानसभा तो ऐसी विधानसभा जो यहाँ पर जब से विधानसभा बनी आपके और बहुत अच्छे होते थे भारी बहुमत से यहाँ बहुत धन्यवाद आज उनसे बात करेंगे जो हमारे ज्वालापुर विधानसभा के गांव कालेवाल के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है जबकि यहां के मौजूदा भाजपा के विधायक सुरेश राठौड़ हैं लेकिन वो भी 5 साल में एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन अब की बार भाजपा पार्टी को जड़ से उखाड़ कर कांग्रेस लाएंगे और इंजीनियर SP सिंह जैसा विधायक लाएंगे जिससे गांव का विकास भी होगा जबकि इंजीनियर SP सिंह हमारे दुख सुख में हमारे पास दर्द जानने आते हैं। देवीधुरा के गांव केदारनाथ में शादी समारोह में दलित रमेश राम की मौत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष मदन कुमार ने टनकपुर SDM हिमांशु कफलटिया के माध्यम से जिलाधिकारी चंपावत को ज्ञापन भेजा है जिसमें मदन कुमार ने कहा है कि देवीधुरा के केदारनाथ में बारात के कुछ लोगों ने दलित के साथ मारपीट की थी जहां गंभीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष PC गोरखा ने लालकुआ तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील व्यवस्थाओं के बारे में जाना और अनुसूचित जाति के लोगों के बनाए जा रहे प्रमाण पत्रों के बारे में भी जानकारी जुटाई। वहीं उन्होंने तहसील के आधार कार्ड सेंटर ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर निर्वाचन कक्ष का निरीक्षण करते हुए डेमो VVPAT मशीन की शिथिलता के बारे में भी जाना। खबर चमोली की नारायण बगड़ प्रखंड से है जहां सुप्रसिद्ध गिरजा भवानी राजराजेश्वरी सिद्धपीठ चौपटा चोरी में त्रिशाल नवरात्र का विधि विधान और पारंपरिक पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ किया गया। कड़ाकोट पट्टी के चौपटा गांव में हर 3 सालों में होने वाले इस भव्य नवरात्र की तैयारियां इस क्षेत्र के 9 गांवों के ग्रामीणों ने पूरी कर ली है। बताते चले कि चौपटा चोरी का ये नवरात्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यहां देश विदेश से श्रद्धालु गण आते हैं और मां गिरिजा भवानी राजराजेश्वरी चौपटा चोरी का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। शेष निकाला जाएगा और शेष के ऊपर जो यहाँ इस मठ के जितने भी देवी देवता स्थापित हैं नौ नाथ चौरासी सात नौ भर की धुनी है वो यहाँ पर अवतरित होगी और उस टाइम से जो है ये कार्यक्रम हमारा चांदनी का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 7 विद्वान पंडित शास्त्री लोग यहाँ पर जो है बांकी पूजा में लगे हैं और बजगीर जो है हमारे पास 4 जो कि जो है चांदनी को गर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है षष्ठी का पर्व कालरात्रि का पर्व होगा क्योंकि कालरात्रि पूजन में षष्ठी में जारी है और षष्ठी में ये 6 बजे तक दिन में रहेगा। कालरात्रि तो रात्रि को होती है इसलिए षष्ठी में कालरात्रि का पर्व होगा और उस दिन बड़ा प्रोग्राम है। उस दिन जो है हमारा यहाँ पर जो तरह तरह के जो है नृत्य लोग यहाँ पर होंगे शंभू कालिका कैंट मधुकैंट और संन्यास विराट और माँ की डोली वहाँ पर जो है चांदी में वो और वृद्ध माता गोधरा माई का खास करके यहाँ का महत्व है जो कि वृद्ध के रूप में इस चांदी में अवतरित होती है। उनकी अपनी जो है जो चारों तरफ से आ रखे फल फ्रूट वो जो है अपने भक्तों को वहाँ बांटते हैं। चोरी कड़ाकोट 2021 की नवरात्र का आज दूसरा और तीसरा पर्व और इस पर्व में हम आप सभी देवी भक्तों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों
यह मेला हमारे पूर्व आदिकाल से यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया हुआ है और पौराणिक जो प्रथा है, वैदिक पौराणिक प्रथा जो यहाँ पे है वो लगातार चल। उत्तराखंड के राजकीय चिकित्सालयों में आमजनों को मुफ्त दवा वितरित की जाएगी। चिकित्सक यदि अस्पताल में मिलने वाली दवा से इतर कोई दवा लिखता है तो उसके कारण लिखना होगा कि ये किस कारण से दी जा रही है। ये दवा सरकार ही उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार ने नई निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसमें निर्यात का लक्ष्य 3,000 करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही इसके अंतर्गत 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के सृजन की व्यवस्था भी की गई है। कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के चिकित्सालयों में आमजन को मुफ्त दवा देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा दवा खरीद की व्यवस्था भी बनाई गई है। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पहली बार उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसमें 2020-21 में तय 15,900 करोड़ के निर्यात लक्ष्य को आगामी 5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए करने और 30,000 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।